दोस्तों गाल फुलाना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि सर हमें भी आपके जैसे गालों को फुलाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बताऊं कि मेरे एक गाल कैसे फूले, क्योंकि मैं भी आज से 4-5 साल पहले ऐसे पतला सा था, मेरा मुंह भी बहुत पतला था, तो मैंने कुछ चीज़ें अपनाई थी और सीरियसली आप विश्वास नहीं करेंगे 2 महीने में मेरे गाल फूल चुके थे अच्छे खासा, और मेरा वजन नाना करते भी 10-15 किलो के आसपास बढ़ गया मात्र 1-2 महीने के अंदर अंदर। और छोटी छोटी चीज़ें थी, कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, अपने आराम से खाने की चीज़ें बताऊंगा आज मैं, सिर्फ 2 चीज़ें औषधियाँ होंगी, 2 चीज़ें वो आपको 2 महीने लगातार खा लेना, आपका इतना वजन बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते, और आयुर्वेदिक होगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को हर पतले इंसान को शेयर कीजिएगा, जितने पतले लोग हैं उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो असर ना करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा आके, और अनलाइक कीजिएगा वीडियो को, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपको असर ना मिले जो मैंने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सबसे पहले बड़ी बात है कि आप क्या परहेज करते हैं। परहेज कुछ नहीं है, बस आपको परहेज मेन करने हैं, कोई नशा नहीं करना है, और नॉर्मली तली फली चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि तली फली चीज़ें लोगों को फैट बढ़ाती, वो वाला फैट नहीं बढ़ाती जो आपको चाहिए, तली फली चीज़ें बढ़ाती हैं जो अपने पेट निकालना होता है, जो डमी टमी ये निकलती हैं उनके लिए होता है वो काम की चीज़। तो हमें कोई भी तेलीय चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा नॉर्मल खाओ, सादा कुछ भी खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन जो मैं 2 आयुर्वेदिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो मुख्य हैं इस वीडियो में, तो वो अंत तक देखेगा, वो ज़रूर आपको लेनी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात होगी, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अश्वगंधा आंवले, ये कैसे खाना है। पहले ये दवाएं जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपका पेट साफ रहना ज़रूरी है। अगर आपको कब्जी, अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं चीज़ बता देता हूँ, 5 सगार चूर्ण लीजिए, आधा चम्मच सुबह खाना खाने के बाद और आधा चम्मच रात को सोते वक्त तक गर्म पानी के साथ, 5 सगार चूर्ण, ये चीज़ अगर आप लोगे तो आपका पेट साफ रहेगा और कोई भी आपकी अंदर चीज़ जाने वाली लगेगी, क्योंकि मैं जो दवाइयाँ बताऊँगा आपको आयुर्वेदिक वो अंदर जाएंगी, तो लगना तो चाहिए उनको, अगर वो सीधा ही पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा आपका तो बाद में वो आपको वो रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगी जो कि मुझे मिले थे, क्योंकि मेरा पाचन तंत्र मजबूत था। तो उस हिसाब से आपको ये पहले 5 सगार चूर्ण रेगुलर लेना है। जो चीज़ें हैं, अश्वगंधा आंवले हो गया पहला, दूसरा है धातु पौष्टिक चूर्ण, ये कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब कब लेना है, ये आप ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले अपने को अश्वगंधा आंवले लाना है, एक होता है अजा अश्वगंधा जिसमें बकरी का मांस होता है वो मत लाइएगा, एक होता है नॉर्मल अश्वगंधा आंवले, न कि पाउडर, पाउडर मत लाइएगा, पाउडर काम नहीं करता है, आंवले लेके आना, डाबर कंपनी का मत लाना याद रखिए, और कोई भी कंपनी का ले आना। तो आंवले होगा वो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, कब लेना है, खाना खाने से आधे घंटे पहले दूध या गर्म पानी के साथ। फिर आपको क्या लेना है, धातु पौष्टिक चूर्ण, ये धातु पौष्टिक चूर्ण आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हो गर्म पानी या दूध के साथ। ये 2 चीज़ें खाइए और साथ में अपना पाचन तंत्र मजबूत रखिए, और जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने स्टार्ट में बताई थी वो अपनाइए, आप मात्र 1 से 2 महीने में शानदार तरीके से अपना वजन, अपने गालों को मोटा कर सकते हैं, भरे भरे गाल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह आपका हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों में, हर ग्रुप में, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है, सस्ती चीज़ें बताई हैं मैंने, कोई महंगा नहीं और अच्छा नुस्खा है। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सस्ती चीज़ें घरेलू नुस्खे इस चैनल पर मिलते रहें। अगर आपको और कोई बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे WhatsApp पे SMS कर सकते हैं इसी नंबर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।